What is the date today? What is the date today? Hello. 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 Sir, follow karen. Oh.
एक ही मात्रा वाला जो है, एक ही मात्रा उसी में से क्वेश्चंस बने हुए हैं, वही आपको लिखना है। तो सबसे पहले कॉपी में लिखिए, आपकी कॉपी में ऐसे बना होता है, तो यहाँ पे लिखिए आप प्रश्न, यहाँ पे तुम देख, ठीक है, हमें एक ही मात्रा के ऐसे लिखना है आपको, बिल्कुल सटा के ऐसे नहीं लिखना है, थोड़ा सा ऐसे गैपिंग करके लिखना है, नैतिक के मात्रा का में आपकी मात्रा का नैतिक के पिता का ये वाला ये वाले का कितना लिख लीजिए पहले आपको पिता का क्या नाम था। अब आपने जो बुक है ये देखिए, क्वेश्चन मार्क लगाइए यहाँ, पेज नंबर 29 इसमें लास्ट क्लास वाले में देखिए, नैतिक एक शैतान बालक है, वह हैदराबाद में रहता है, वह सुबह पैदल सैर करता है, नैतिक एक कुशल तैराक है, उसके पिता का नाम कैलाश है। तो नैतिक के पिता का क्या नाम है, कैलाश। तो यहाँ पर आप लिखिए उत्तर, ठीक है, ऐसे लिखिए उत्तर, हिंदी में। और नैतिक के पिता का क्या नाम था, कैलाश। हमें ए की मात्रा के आ की मात्रा ल कैलाश। तो नैतिक के पिता का नाम कैलाश था, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैलाश लिखेंगे। सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिएगा,
और पढ़ पढ़ के बोल बोल के लिखिएगा कि नैतिक के पिता का क्या नाम था। तो नैतिक के पिता का नाम कैलाश था। अब इसी बुक में दूसरा क्वेश्चन भी है, कैलाश के पास क्या था? तो कैलाश के पास क्या था बताइए। बुक पढ़ते हैं आप लोग, रीडिंग करते हैं ना। वेरी गुड सर, बुक नहीं है उसकी बुक ले ले, क्योंकि आप लोगों का स्कूल भी ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन डालो ओके। सरिस्का ने बहुत अच्छा आंसर दिया है कि नैतिक के कैलाश के पास क्या था, कैलाश के पास एल था। सेकंड क्वेश्चन यानी दूसरा प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न नंबर टू ना, ये वाला प्रश्न टू। लिखे बना क्यों लिखिए, प्रश्न नंबर टू मेरे साथ साथ ही लिखिए आप। नंबर टू डाल लिखिए, हाँ लिखिए कैलाश, लिखिए इधर आओ देखो तुमको कैलाश के कैलाश के पास, अब देखिए ये आधा का है, पूरा का हम ऐसे लिखते हैं तो ये बन जाएगा काया। पहले क्या लिखना है क्या, तो आधा का जो होता है उसको कैसे बोलते क्या, ठीक है ये आधा का है, आधा का या क्या, कैलाश के पास क्या था? हाँ मैं बड़ा की उसी के नीचे, उसके बाद आप लोग उत्तर लिखिएगा। पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, कैलाश के पास क्या था? कैलाश के पास क्या था? उसके पास बैल था, क्योंकि वह बैलगाड़ी चलाता था, है ना? तो कैलाश के पास बैल है और वो बैलगाड़ी चलाता था। तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिखेंगे, बैल। ये बताइए बैल कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा मुझे बैल कैसे लिखेंगे? जल्दी से आंसर लिखिए आप लोग। हो गया थर्ड क्वेश्चन यानी प्रश्न नंबर तीसरा, यहाँ पे लिखिए प्रश्न नंबर थ्री, नैतिक क्या था, बालक था, है ना? है नैतिक एक बालक है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिखिए, नैतिक लिखिए, नैतिक कैसा, स्वामी एक ही माता स्वामी बड़ा एक ही माता, कैसा बालक नैतिक कैसा बालक था। तो यहाँ पर हम उत्तर क्या लिखेंगे, तो लिखे शैतान बालक था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, श्यामे एक
माता में बड़ा की माता ना नैतिक शैतान बालक था है ना नैतिक बालक था शैतान बालक था उसका आंसर क्या लिखेंगे हम शैतान नैतिक शैतान बालक था अब वन मतलब एक नंबर में दो नंबर हो जाए तीन नंबर तीन नंबर पहला वाला तो आप लोगों का हो ही गया ना अब हम प्रश्न नंबर थ्री के बाद लिखेंगे प्रश्न नंबर फोर कहाँ रहता था सभी को नैतिक कहाँ रहता था अब इसका आंसर हम क्या लिखेंगे नैतिक हैदराबाद में रहता था तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे हैदराबाद हमें एक ही मात्रा है नहीं हैदराबाद में आकी मात्रा ब हैदराबाद नैतिक हैदराबाद में रहता था जल्दी से लिख लीजिए उसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे हैदराबाद एक ही मात्रा है दरा में आकी मात्रा क्या बन दरा बार में आकी मात्रा सुंदर राइटिंग में लिखिएगा ओके प्यारी प्यारी राइटिंग में मैम तो ये प्रश्न उत्तर के लिए तो इतना ज्यादा था पेंसिल से अलग कर दिए तुमको लिखना चाहिए था बढ़िया से फिर उत्तर यहाँ लिख दोगे तब ऐसे हम लोग बेटा वैसे लिखे हो गया बेटा वेट ऐसे डालो जैसे डाला है फोर्थ नंबर डालना नो अब पांचवा प्रश्न नहीं डालेंगे अब हम सेकंड पेज में लिखेंगे ये हो गया ना सबका ऐसा तो नहीं हुआ
मैं मेरा भी अब मैं क्या नहीं ये देखिए अबार में लिखा था चलिए आप सेकंड पेज खोलिए इसमें आपने आज की डेट लिखी सबसे पहले डेट लिखिए Tara, tamiya ek mantra da.
कैलाश के पास ऊपर मंत्र लगा दो कैलाश के पास आपकी मंत्र थैंक यू जी कैलाश के पास क्या है वेरी गुड कैलाश के पास Last me, ऊपर छोटा यह है मेरा छोटा भैया यही आ में एक ही मात्रा या में बड़ा यह है मेरा छोटा भैया सब यह है ए ना कोई और चीज तुम्हारा लेना है लाइन खींचो पर यहाँ भी लाइन खींचो दिखा दीजिए मैम हो गया मैम बताइए आरुष हाँ बताइए वेरी गुड गुड बॉय ओके आरुष वेरी गुड और किसका कंप्लीट हो गया Okay, Tanu, very good. Anya. Very good, Anya. Very good. Sia.
अंशुमान गया मैं गया मैंने आपको पोयम सुनाया हिंदी की हाँ सनिष्ठा पोयम तैयार कर ली हो गई आपकी तब सबसे पोयम सुनूंगी ओके अभी टाइम का मैंने बेटा इसलिए ओके हाँ नहीं किसकी कॉपी है ये मैम अली खान हेलो ओके वेरी गुड पापा अंशिका सिंह वेरी गुड अंशिका सिया आप दोनों को शो करिए बोलो भी नहीं हुआ क्या फोर्थ नंबर कौन सी थी या लिखो या लिखो या हाँ या सिया या हाँ लिखो हाँ मैं वांश अंशुमान है मेरा छोटा ऐसे लिखा हुआ है हाय लिखो हाँ देखो यहाँ लिखो यहाँ 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 हाँ लिखो हाँ हाँ लिखो ऊपर लाए अब यहाँ लिखो माँ माँ लिखो माँ सुनिए मैंने एक तो पोयम सुनाया आपको अच्छा अच्छा तो सुना दीजिए आप ओके मेरे भाई राजा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड संस्था ओके राजा